हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी हेल्दी, हैप्पी एंड फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें यह दर्शाता है कि कोई घटना जब हम देखे तो उस समय हो रहा था, उसमें टाइम ऑफ एक्शन कम इंडिकेट नहीं होता है। कुछ चीजें समथिंग वाज हैपनिंग इन पास्ट, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को के लिए ये सेंटेंस है। हिंदी में अगर हम देखें तो जनरली रहा था, रही थी या रहे थे, इस तरह के वाक्यों को हम इस टेंस में लिखते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। जैसे सब्जेक्ट यू वी दे, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड साथ आएंगे। जैसे यू वेयर गोइंग टू स्कूल, वी वेयर राइटिंग अ लेटर, दे वेयर राइटिंग अ लेटर। प्लुरल ले लीजिए, राम एंड श्याम वेयर गोइंग टू मार्केट। वॉच और वेयर, वेयर और वॉच, और वॉच का इस्तेमाल हम करते हैं आई ही सी, सिंगुलर एक बचन, सिंगल पर्सन हो, सिंगल सब्जेक्ट हो या इट, इनके साथ हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस वॉच प्लस वर्ब विथ आई एन जी प्लस अदर वर्ड। I was going, he was going, she was going, किसी का नेम सीता was going, it was going। ये पॉजिटिव या affirmative के सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। जब हम इसे नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस was where के बाद हम not लगा देंगे, verb में ing प्लस object, was और where के बाद हम not लगाते हैं। helping verb और मेन वर्ब के बीच में नॉट का इस्तेमाल हम करेंगे तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर, दे वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर, राम एंड श्याम वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर। वॉज का इस्तेमाल हम देखें, आई वॉज नॉट लगेगा, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, He was not writing a letter. She was not writing a letter. Singular subject, Ram was not writing a letter. It was not writing a letter. Like this, इस तरह से हम negative बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य। आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य में was where पहले लगा देंगे, उसके बाद subject plus verb plus ing। ये वाज और वेयर सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, बाकी एज इट इज हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डब्ल्यू ई आर ई, वेयर यू राइटिंग, वेयर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल, वाज सी, Was she writing? Question mark। ये was और were helping verb को हम आगे लाते हैं rest sentence subject plus verb with ing लगा करके हम interrogative के वाक्य बनाते हैं। WS family पे हम जब काउंट करते हैं, where you writing, तो इसके आगे मान लीजिए लगा रहे हैं When were you writing? When, W H family को आगे प्लस कर देंगे, When were you writing? How were you writing? इस तरह से W H family में हम W H को आगे लगा करके interrogative sentence बनाते हैं। For example, Whom were you writing to? तुम किसे लिख रहे थे? What were you writing? तुम क्या लिख रहे थे? At what time were you writing? किस समय लिख रहे थे?
Why were you writing? तुम क्यों लिख रहे थे? How were you writing? तुम कैसे लिख रहे थे? कुछ नकारात्मक वाक्यों को हम इस तरह से भी लगाकर बोलते हैं, जैसे weren't you going to Delhi? Wasn't he going to Delhi? Like this. Next, हम contraction देखते हैं. Was not, wasn't, were not, weren't. Contraction में ये हट जाते हैं. I, he, she, it के साथ हम wasn't working. He wasn't working. She wasn't working. It wasn't working. ऐसे लिखते हैं. Weren't. You weren't walking. We weren't walking. They weren't walking. Dear students, कुछ verb में हम direct ing जोड़ करके उसको continuous tense में convert कर देते हैं. जैसे beat, beating. B-A-R-K, bark. B-A-R-K-I-N-G, barking. Direct ing जोड़ दिया गया है. Bring, bringing. Sell, selling. Eat, eating. कुछ most verb के अंत में जो e लगा रहता है, तो e drop करके हम उसके जगह में ing जोड़ते हैं. जैसे close, closing. e हट गया. Dance, dancing. Move, moving. e जो है खत्म हो जाता है. आगे अगर एंडिंग वर्ड आई है, तो आई ड्रॉप करके हम वाई लगा के बनाते हैं. जैसे डी आई ई डाई, डी वाई आई एन जी डाइंग, एल आई ई लाई लाइंग. आगे देखते हैं कुछ वर्ब एंडिंग इन सीबीसी. सीबीसी मींस कंसोनेंट, कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट. वर्ड के अंत में अगर इस तरह के वर्ड आते हैं, जी और बी, ये का कंसोनेंट हो गया, बीच में ई जो है वावेल वर्ड हो गया. बी ई जी बैग, बैगिंग, बैग बैगिंग. जे ओ वाई सी वी सी वर्ड है. जग, जगिंग. गेट, गेटिंग. सिट, सिटिंग. हमें लगता है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.